हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्टिन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी साइट के बारे में जहाँ से आप डेली का 500 से 1000 रुपये इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले से कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, कोई वीडियो को अपलोड मैं जब अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पीड बेल। दोस्तों, स्पीड बेल दोस्तों एक ऐसा दोस्तों प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डेली का जो है अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है तो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तभी दोस्तों आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे और भी अच्छा तरीके से जो है यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट और जो भी जिनको किसी चीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन या फिर किसी चीज़ का आंसर जानना होता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। उसके बदले आपको PTC जो है मिलता है। अगर आप किसी से जो है अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको PTC जो है यहाँ पे देना होता है। अगर आप 100 PTC यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको जो है $1 मिल जाता है और $1 INR में लगभग 69 रुपीज़ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1000 जो है PTCS इकट्ठा कर लेते हैं तो सिंपल जो है आप यहाँ पे डेली का 600 अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अर्निंग करना काफ़ी इजी है। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप इजी तरीके से जो है किसी का क्वेश्चन का आंसर देते हैं और वो जो है आंसर सही होता है तो आपको यहाँ पे PTCS जो है मिल जाता है। और PTCS दोस्तों यहाँ पे लेना काफ़ी इजी है। काफ़ी ऐसे तरीके हैं जहाँ जिसके जरिए आप PTCS जो है यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको कोई भी PTCS नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ जो है क्वेश्चन का आंसर दिया था तो मुझे लगभग $1 के थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पे अर्निंग हुआ है। मैं आपको अर्निंग भी दिखाऊंगा और उस अर्निंग को क्या कर सकते हैं आप अपने क्या कर सकते हैं पेपल अकाउंट या फिर अमेजोन गिफ्ट कार्ड में जो है ले सकते हैं। और गिफ्ट कार्ड के जरिए क्या कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड को फिर पेपल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे फिर अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप इसमें नए हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे गूगल अकाउंट डायरेक्ट जो है आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल में लिंक होगा तो उसके थ्रू कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे कोई भी ईमेल डालकर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे लॉगिन होकर दिखा देता हूँ। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ इंट्रेंस में क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी माध्यम से यहाँ पे अकाउंट बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने गूगल के थ्रू यहाँ पे अकाउंट बनाया था तो मैं यहाँ पे अपना जो है ईमेल चुन लेता हूँ जिसके जरिए मैंने अपना अकाउंट बनाया था। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो PTCS है यहाँ पे लगभग 110 है। और जैसे दोस्तों, मैंने आपको PTCS का वैल्यू भी बता दिया कि अगर आपका 100 PTCS होता है तो वो लगभग $1 के कुछ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप 100 PTCS अर्न करते हैं तो उसका मतलब है कि आप 80 या फिर 85 रुपये आप यहाँ पे अर्न कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इंडिया के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट से हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर अगर आप कोई यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका आंसर देते हैं तो आपको PTCS जो है मिलता है। अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप इस साइट पर आएंगे, अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा, ऐसे आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मैं जानता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस आपको क्या क्या करना है। आप सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब आएंगे तो PTCS के बगल में आपका जो भी नाम स्टार्ट होता है जिस अक्षर से, उसका दो अक्षर आपको यहाँ पे शो करेगा। जहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप अपने प्रोफाइल में जाकर कोई चीज़ आपको एडिट करनी है तो आप कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट का जो भी अर्निंग देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको PTCS जो है यहाँ पे लगता है। तो PTCS जो है आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। मैं आपको पूरा स्टेप वाइज नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इजी है और इतना मुझे नहीं लगता कि इतना आप लोग नहीं जानते, और आप यहाँ जाएंगे तो आपको इस तरीके समझ में आ जाएगा। इतना इतना डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप एक टीचर हैं तो आपको यहाँ पे डाल देना चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि दोस्तों इससे ये होगा कि कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता है या फिर अगर कोई आपको प्राइवेट अपना टीचर यहाँ पर रखता है तो आपको प्रोफाइल देख कर ही रखेगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होगा या फिर आपको एक बायोडाटा है बनाकर आपको यहाँ अपलोड करना होगा।
और यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर एक जो पेज होता है जिस पेज में आपको जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और उसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि मैं इतना PTCS दूंगा अगर इस इन क्वेश्चन का आप आंसर दे देते हैं तो। वो जो भी आंसर देगा वो खुद ब खुद जो है आपके अकाउंट से मनी जो है डिटेक्ट हो जाएगा अगर वो सही आंसर देता है तो। और यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पे क्रिएट अ क्वेश्चन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे PTCS अर्न करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल का आप देख सकते हैं कि कितने व्यक्ति जो है यहाँ पे आंसर कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 2 लोगों ने जो है आंसर किया हुआ है इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपना आंसर देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इनका इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है आपको यहाँ पे इसी तरीके से बताया जाएगा, और आपको क्या करना है कि आपको अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पे डालना है, क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे सबमिट करते हैं तो उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे PTCS मिल जाता है। देख सकते दोस्तों कि यहाँ पे इंडिया के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही अकाउंट बना चुके हैं और वो एक अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। दोस्तों आप भी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके कारण आप यहाँ पे अर्निंग ना करें। आप यहाँ पे अकाउंट बनाइएगा तो आपको जो भी चीज़ें हैं इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों फाइनल जो चीज़ होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अर्निंग कर लेते हैं तो आप कैसे उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस है। और एक चीज़ बता दोस्तों कि अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो आप रेफर भी कर सकते हैं, रेफर करने का भी आपको यहाँ पे कमीशन वगैरह भी मिलता है तो आप चाहें तो रेफर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने मैं वॉलेट में जाकर कि मेरा जो वॉलेट है उसका अर्निंग कितना है और PTCS कितना है। आप देख सकते हैं मेरा $1.10 है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है यहाँ पे इससे अपने अगर बैंक में रिडीम करना है तो क्या क्या प्रोसेस है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है दोस्तों कि अगर आपको इसे अपने बैंक में रिडीम करना है तो आपका लगभग 1000 जो है 1000 PTCS आपके वॉलेट में होना चाहिए। और इससे आप क्या कर सकते हैं कि पेपल का है ऑप्शन इन्होंने अभी नहीं दिया है लेकिन आगे चलकर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है स्पीड बेल अभी नई नई आई है इसलिए इन्होंने अभी पेपल का सिस्टम नहीं लाया है। आने वाले टाइम में ये लोग पेपल का भी सिस्टम दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं कि अमेजॉन गिफ्ट कार्ड के जरिए जो है आप यहाँ पे अपने अर्निंग को क्या कर सकते हैं कि अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल दोस्तों आप क्या कीजिएगा, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप अमेजॉन गिफ्ट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको जो है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड होता है आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ आईडी वगैरह होता है उसे आप सिंपल क्या कीजिएगा गूगल में सर्च कीजिएगा कि अमेजॉन गिफ्ट टू INR, जिसे आप वहाँ पर कन्वर्ट कीजिएगा तो काफ़ी से साइड आ जाएंगे जहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि अपना जो अमेजॉन का जो होता है ऑर्डर आईडी उसे जैसे बताएंगे तो बताने के बाद क्या होगा कि वो क्या आपका जो अमेजॉन गिफ्ट कार्ड है वो ले लेंगे, और उसके बदले अगर आपको चाहिए पेपल में मनी तो वो लोग दे देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देंगे, अगर आप अर्निंग करते हैं तो अगर उसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूँगा अच्छा सा, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, इसमें कोई और ज़्यादा चीज़ नहीं है मुझे बताने को। दोस्तों ये काफ़ी इजी है, इसे आप इजी तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आप देखो सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है, और दोस्तों काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अगर आते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो आपके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किस विषय से हैं और या फिर आपका यूनिवर्सिटी क्या है, अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता होगा तो उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, आने वाले टाइम में ये एक कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बेहतर होगा, और ये दोस्तों जो शुरू में इसमें इसके साथ जुड़ा रहेगा वो भी एक अच्छा अर्निंग करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो दूसरे तक भी पहुँचे इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।